सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैटरीना और सलमान दर्शकों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं, इसीलिए इस फिल्म ने कुछ दिनों में ही 167 करोड़ की कमाई कर ली है। भारत के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि इस फिल्म में कैटरीना कैफ से पहले प्रियंका चोपड़ा आने वाली थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने आखिरी वक्त में ही फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद खबरें आई थी कि सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से बहुत नाराज हैं, और इसीलिए सलमान ने ताना मारते हुए कहा था कि प्रियंका ने भारत से ऊपर US को चुना निक के लिए। उन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और अब उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म मिली तो ऑफर ठुकरा दिया और शादी कर ली। और अब प्रियंका चोपड़ा ने फिर से कुछ ऐसा ही किया है जो सलमान खान को गुस्सा दिला सकता है। दरअसल मंगलवार को प्रियंका ने अपनी अपकमिंग फिल्म द स्काई इज पिंक की रैप पार्टी रखी थी, जिसमें प्रियंका की मां मधु चोपड़ा से लेके कई कलाकार शामिल थे। इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सलमान की फिल्म भारत को छोड़ने का कारण भी बताया, साथ ही साथ इशारों इशारों में कुछ कह भी दिया। जी हाँ, उन्होंने इशारों इशारों में इस फिल्म को नाचने गाने वाली फिल्म करार दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपको बहुत सारी फिल्म मिल रही थी लेकिन आपने स्काई इज पिंक ही क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट मुझे और फिल्मों से ज़्यादा पसंद आई। और प्रियंका चोपड़ा ने ये भी कहा कि अब उन्हें नाचने वाली फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। And everyone questions my judgment about why, like this movie, why not like this tentpole pot boiler song and dance, and why am I playing? You want to win to their आगे हम ये देखना चाहेंगे कि सलमान खान इस पर अपना क्या रिएक्शन देते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस।